हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली हिंदी करंट अफेयर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर सुबह आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज है 12 फरवरी और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के ध्रुवों की पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटल अंतरिक्ष यान किस देश से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। और यह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा दोनों का कंबाइन जो अंतरिक्ष यान है, इन्होंने दोनों ने संयुक्त रूप से अपना अंतरिक्ष यान सूर्य के ध्रुवों की अदला बदली का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। और यह है पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो इलिप्टिकल पाथ ने लेके, यानी कि इलिप्टिकल पाथ है ये, और कोई भी जो उपग्रह लॉन्च किया जाता है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। तो ये पहला ऐसा है जो इलिप्टिकल पाथ में मूव ना करके 24 डिग्री से 33 डिग्री पर परिक्रमा करेगा। कहाँ से? भूमध्य रेखा से। जो ये भूमध्य रेखा है सूर्य की, उससे 24 डिग्री से 33 डिग्री पर परिक्रमा करेगा। और इसमें किसका यूज किया गया है? इसमें एलिप्टिक प्लेन का यूज किया गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमें डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो यह किस राज्य ने लॉन्च की है? यह की है हरियाणा ने। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी। तो इसका आंसर सी होगा। तो हरियाणा सरकार ने अभी सत्ता में आने के 100 दिन पूरे होने पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत बीमा और पेंशन प्रीमियम को मिलाकर कुल 6,000 रुपये जरूरतमंदों को, 6,000 रुपये की राशि जरूरतमंदों को दी जाएगी 1 साल में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिग्गज क्यू खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है? तो ये किसने जीत ली है? तो इसका राइट आंसर है आदित्य मेहता, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। तो यह एक बिलियर्ड खिलाड़ी है और इसने कई बार जो चैंपियन रहे थे हमारे, कौन थे वो? पंकज आडवाणी, उसको 6-2 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। और यही चैंपियनशिप महिला एकल खिलाड़ी वो कौन है जिन्होंने महिलाओं में यह चैंपियनशिप जीती है? तो वह कर्नाटक की विद्या पिल्ले ने। कर्नाटक की विद्या पिल्ले ने एमपी की एमी कमानी को 3-2 से हराया है और यह स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह किस राज्य ने की है? यह की है केरल ने। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि डी इसका सही आंसर हो। और यह प्रतिबंध लगाने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। और केरल से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। तो केरल की कैपिटल क्या है? तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच किस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त अभ्यास आरंभ किया जाएगा? तो इस किस नाम से आरंभ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अजय वॉरियर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। और यह कब से आरंभ किया जाएगा? 13 फरवरी 2020 से। यह एकमात्र अभ्यास है जो इंग्लैंड के साथ किया जाता है और इसमें भारत की तरफ से 120 सैनिक हिस्सा लेंगे। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। और यह सैलिसबरी प्लेन में इस अभ्यास को किया जाएगा, यानी कि प्लेन की प्लेन में ही इस अभ्यास को किया जाएगा। तो इंग्लैंड का जिक्र हुआ तो इंग्लैंड के प्रेजेंट टाइम में जो पीएम है वो कौन है? प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो अभी हाल ही में बने हैं। और अभी हाल में इंग्लैंड से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने अभी अभी ब्रेक्जिट से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट इससे रिलेटेड जो भी थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जेरूसलम मुंबई महोत्सव, जेरूसलम मुंबई महोत्सव आयोजित किया जाएगा मुंबई में। तो यह जेरूसलम और मुंबई दोनों शहरों के बीच समानता और नज़दीकियाँ बढ़ाने पर इसमें विचार किया जाएगा। और जेरूसलम कौन? जेरूसलम
इजराइल की राजधानी है, इजराइल और मुंबई के बीच, नज़दीकियों को बढ़ाने के लिए इस पर वार्ता की जाएगी। और इजराइल का जिक्र हुआ तो इजराइल के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है, प्रेजेंट टाइम में पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए मोसाद, मोसाद वहाँ की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य ने शुरुआत की है, इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि इसका आंसर होगा डी, डी इसका राइट आंसर है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यह कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है, आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, तो ये सभी आपने याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोजर कहन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रोजर कहन कौन थे, रोजर कहन थे एक लेखक, तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, यानी कि यह एक अमेरिका के लेखक थे। और ये किस बुक के लिए प्रसिद्ध थे, उस बुक का नाम है ए बॉयज ऑफ समर, इस बुक को लेकर यह चर्चा में रहे थे, तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान के तहत पहली हेली सेवाओं की शुरुआत की है? तो इस किसने शुरुआत की इसकी, इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड ने, तो सी इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यह पहाड़ी एरियों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है उड़ान की। इसके तहत एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसमें इसके साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून, और प्रेजेंट टाइम में उसके सीएम कौन है, इसके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड का नाम आते ही आपको एक जिम कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये दोनों आपके माइंड में क्लिक कर जाने चाहिए। जो जिम कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान है यह बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। और जो फूलों की घाटी है यह तो उत्तराखंड में है, और अगर शांत घाटी पूछ ली जाए तो यह है केरल में, तो ये सभी आपने याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकांगवा पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? तो ये कौन बनी है, यह बनी है काम्या कार्तिकेयन, तो बी इसका राइट आंसर होगा। काम्या कार्तिकेयन यह मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 7th क्लास की स्टूडेंट है और यह अभी इसकी एज है 12 साल। 12 साल की एज में इसने एकाकांगवा को फतेह कर लिया, जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर, 6962 मीटर की चोटी पर इसने फतेह किया। और 2021 तक इन्होंने एक्सप्लोर ग्रैंड स्लैम का लक्ष्य रखा, जिसका मतलब है कि पूरे विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर और नॉर्थ और साउथ पोल इन सभी की विजिट करके ये 2021 तक का इसने लक्ष्य रखा है। तो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी, तो यह कौन बनी थी अभी हाल ही में, तो इसका नाम था सराय खुमालो। और मालवत पूर्णा कौन थी, जिसकी एज थी 18 ईयर, यानी कि 18 साल। 18 साल में मालवत पूर्णा जो थी उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी वो। तो कहाँ चढ़ी थी वो, अंटार्कटिका पर, जिसका नाम था मालवत पूर्णा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया प्रीमियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है, ये खिताब जीता है हरियाणा ने, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी, सी इसका राइट आंसर है। तो हरियाणा से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम कौन है, खट्टर, खट्टर मीन्स मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इन गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन बने हैं, यह पुस्तक लिखी है एम जे अकबर ने, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो एम जे अकबर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे को बताया गया है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो विशेष कोठारी ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था बीजी टाइमलेस टेल मारवा, और डब्ल्यू वी रमन ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था विनिंग सिक्सर। अश्विनी कुमार ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज इम्पर्टिविटी। तो ये सभी आपने याद रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रीड 500 मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये किस देश ने किया है, ये क्या है, ईरान ने, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल है तेहरान, और ईरान की जो करेंसी है वो क्या है, ईरान की करेंसी है रियाल। और प्रेजेंट टाइम में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, हसन रूहानी। और ईरान से रिलेटेड करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बनता है कि ईरान अभी अभी हाल में अमेरिका ने ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था, और कासिम सुलेमानी की जगह उसका मेजर जनरल अभी कौन बनाया गया है, वह बनाए गए हैं इस्माइल कानी। तो ये सब आपने याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे 2019 कोच आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पुलेला गोपीचंद, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, पुलेला गोपीचंद। अब दीपा मलिक को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, और ये किसके साथ मिलके, बजरंग पुनिया के साथ, दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है? तो ये किस देश में बदल दिया गया है, इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। तो इसका नाम रामायण के पात्र सुग्रीव के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, जो अभी हाल में इसको जकार्ता की जगह कालीमंतन में शिफ्ट करने की घोषणा की गई है। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ स्थित है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना। थैंक यू।